प्रत्येक प्रश्नर उत्तर 60 गोटी शब्द मध्य लेख। करे कौन दी जातिसंघ परिषदर क्षमता गुड़िक आलोचना कर, तार कौन कौन क्षमता थिला कही दौ लिख। प्रथम पॉइंट है राष्ट्र मानक मध्य बिवाद गुड़ी को शांतिपूर्ण भाव में समाधान करिबा एवं आवश्यक हेले आंतर्जातिक सम्मेलनी डाकिबा। दुई नंबर पॉइंट है कौनसी सदस्य राष्ट्र चुक्ति पालन रे अवहेला कले ताकु परिषद जातिसंघर सभ्य पदरु वंचित करिवो। तीन नंबर पॉइंट है अहेतुक आक्रमणकारी राष्ट्र विरोध में सामरिक कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबा। चार नंबर पॉइंट है राष्ट्र मानकर अस्त्रशस्त्र परिमाण को ह्रास करने उद्यम करिबा। पांच नंबर पॉइंट है संख्यालघु स्वार्थर सुरक्षापाई कार्य करिबा। सार बेसिन डांजिंग सहर को शासन करिबा। मैंडेट व्यवस्था थिबा अंचल गुड़ी को शासन तदारख करिबा। जातिसंघर सचिवालय कार्य तदारख सहित और यार विभिन्न स्वतंत्र संख्यागुड़िकर विवरणी ग्रहण करिबा इत्यादि। ठीक अच्छे ख नंबर अच्छी स्थायी आंतर्जातिक कार्यालय किपरि गठित होता और यार कार्यगुड़िक कौन थी। जातिसंघर परिषद द्वारा 1920 स्थापित आईनज्ञ मानक कमिटी प्रस्तुत करथिबा आंतर्जातिक न्यायालय संविधान 1920 डिसेंबर 13 सभा द्वारा गृहीत होता। यहाँ प्रथम पॉइंट। दुई नंबर 1921 सेप्टेम्बर मासरे विचारपति माने निर्वाचित होगा पर 1922 फेब्रुआरी 15 तारीख में शांति प्रसाद यह उद्घाटित होता। तीन नंबर पॉइंट सभा और परिषद रे पृथक भाव भोटदान पद्धति द्वारा विचारपति निर्वाचित होते। विचारपति माने निजे से मानक सभापति और उपसभापति निर्वाचन करुले। तार कार्य आंतर्जातिक चुक्ति गुड़िकर शर्त उद्देश्य को व्याख्या करिबा। विभिन्न राष्ट्र मध्य कलह समय आईनगत परामर्श देवा। जातिसंघर कोभेनाट को स्पष्ट और बोधगम करिबा एवं सभा और परिषद द्वारा प्रेरित कौन सी विवाद सम्बन्धी विषय पर आदेशात्मक मत देवा यार कार्य थिला। ग नंबर के कार्य गुड़िकर जातिसंघ सफलता पाई नथिला केते क्षेत्र रे जातिसंघ सफलता पाई पुनथिला। जेमती लिथुआनिया दखल रे थिबा भिलना शहर उपरे पोलैंड रो नियंत्रण गोटे पॉइंट। ग्रीस और आल्बानिया मध्य रे सीमा निरूपण बेले इटालियो प्रतिनिधि को हत्या घटना रे इटाली रो कर्फ्यू द्वीप ध्वंस और ग्रीस ठारु क्षतिपूरण आदाय। तीन नंबर पॉइंट जातिसंघर सुरक्षा अधीन मेमेल बंदर उपरे लिथुआनिया रो प्रभाव विस्तार। चार नंबर पॉइंट जापान रो मांचुरिया अधिकार और इटाली रो आबिसिनिया अधिकार। पांच नंबर पॉइंट है स्पेनियो गृह युद्ध रे सेठाकर प्रजातंत्र उच्छेद रोकिबारे जातिसंघ सफलता पाइनथिला। ठीक अछि घ नंबर जातिसंघर विफलता पई यार संविधान रो केउ त्रुटि गुड़िक दायी थिला कौन कौन त्रुटि थिला। जातिसंघर संविधान रे निम्नक्त त्रुटि गुड़िक परिलक्षित होइतिला कौन कौन ना सभा और परिषद रे निष्पत्ति नेबा पई सर्वसम्मति रे आवश्यकता थिला। मात्र कौनसी विषय रे सुपारिश करिया पई सर्वसम्मति रे आवश्यकता नथिला फळरे सुपारिश गुड़िक रे निष्पत्ति रे दृढ़ता रहु नथिला। दुई नंबर पॉइंट है कोभेनाट रे थिबा सर्वनिम्न परिमाण निर्दिष्ट अर्थ निरूपण करा जाय नथिला फल राष्ट्रगुड़िक कौन कले निजर स्वार्थ और सुविधा अनुजाई यार भिन्न भिन्न व्याख्या कले आथेष्ट परिमाण अस्त्रशस्त्र सब महजूद कले। तीन नंबर पॉइंट जातिसंघ युद्ध को असिध घोषणा कर नथिला बा जातिसंघर निजर एक सैन्य बाहिनी नथिला। चार नंबर पॉइंट है आक्रमणकारी राष्ट्र विरोध में सामरिक कार्यानुष्ठान सदस्य राष्ट्र इच्छाधीन साहय पर जातिसंघ को निर्भर करने को पड़ुला। पांच नंबर पॉइंट है जातिसंघ को यार निष्पत्ति कार्यकारी करने यथेष्ट क्षमता दि जा नाला यही सब कारण गुड़िक जातिसंघर विफलतापी संविधान त्रुटि थिला। एगुड़िक चार नंबर संबलित प्रश्न
दुई नंबर देखिबा प्रत्येक प्रश्नर उत्तर कोड़े गोटे शब्द रे देख। जातिसंघर मुख्य उद्देश्य गुड़िक कौन थिला आंतर्जातिक सहयोग शांति और सुरक्षा को उत्साहित करिबा, युद्धर आश्रय न नेबा एवं राष्ट्रमानक मध्यरे मुक्त निरपेक्ष सम्मानजनक संपर्क रक्षा करिबा, आंतर्जातिक आईन को राष्ट्रमानक परस्पर मध्यरे आचरणर प्रकृत विधि भावे प्रतिष्ठित करिबा एवं निरपेक्षता बजाय रखिबा और अनुमोदित चुक्तिगुड़िक प्रति सचेतन सम्मान जनाइबा। जातिसंघर सभा रे प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को किपरि समान स्थान दिया जाइथिला। जातिसंघर सभा रे प्रत्येक सदस्य राष्ट्र तीन जन प्रतिनिधि को पठाई पारथिले किंतु भोट केते जन दथिले गोटिए मात्र भोटर अधिकार थिला। ग क्यों राष्ट्रगुड़िक जातिसंघ परिषदर प्रथम स्थायी सभ्य होते कौ राष्ट्रगुड़िक ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस युक्तराष्ट्र अमेरिका इटाली और जापान परिषदर प्रथम स्थायी सभ्य होते किंतु कौन होता ना युक्तराष्ट्र अमेरिकार प्यारिस शांति चुक्ति को सिनेट अनुमोदन न करिवार अमेरिका जातिसंघर सभ्य हो पार ना। घ जातिसंघ परिषदर अस्थायी सभ्यों कार्यकाल केते वर्ष थिला और प्रत्येक वर्ष केते जन अस्थायी सभ्य निर्वाचित होउथिले। जातिसंघ परिषदर अस्थायी सभ्यों कार्यकाल तीन वर्ष थिला, प्रत्येक वर्ष तीन जन अस्थायी सभ्य निर्वाचित होउथिले। केबे ओ केउठारे जातिसंघर स्थायी आंतर्जातिक न्यायालय प्रतिष्ठित होइथिला केबे हेइथिला 1922 मसिया फेब्रुआरी 15 तारिख रे नेदरलैंड रो हेग ठारे स्थायी आंतर्जातिक न्यायालय प्रतिष्ठित होइथिला। च आंतर्जातिक श्रम संगठन रो मुख्य उद्देश्य कोन थिला पुरुष महिला और शिशु मानक पई श्रम पई तांको देश रे एवं शिल्प वाणिज्य क्षेत्र रे तांको देश रो संपर्क थिबा अन्य देश रो अनुकूल मानवचित अवस्था सुरक्षित करिबा आंतर्जातिक श्रम संगठन रो मुख्य उद्देश्य थिला। छ आंतर्जातिक श्रम संगठन रे साधारण सम्मेलन रे प्रत्येक सदस्य राष्ट्र रो केते जन प्रतिनिधि थिले और सेमाने किपरि मनोनीत होउथिले। आंतर्जातिक श्रम संगठन रो साधारण सम्मेलन रे प्रत्येक सदस्य राष्ट्र रो 4 जन प्रतिनिधि थिले, सेमानक मध्यरो 2 जन सरकार द्वारा जणे शिल्पपति द्वारा और जणे श्रमिक मानक द्वारा मनोनीत होउथिले। ज जातिसंघ द्वारा आलांड द्वीपर समस्या किपरि समाधान करा जाउथिला आलांड द्वीपर अधिकार को नै स्वीडन और फिनलैंड मध्यरे लागिथिबा कलहर समाधान करा जाय आलांड को फिनलैंड को हस्तांतर करा जायथिला। सेठारे थिबा स्वीडन अधिवासी को कोन अधिकार दिया जायथिला स्वयं शासनर अधिकार दिया जायथिला। झ प्रथम विश्वयुद्ध रे पराजित राष्ट्र माने जातिसंघ को समर्थन देवाई कहीं कुंठावध कले ना जातिसंघर आरंभ रे पराजित राष्ट्र मानकु सभ्य पद दिया जाय नथिला से माने हा कोन भाबिबे विजेता मानकर एक संगठन बोली धारणा हला तेणु से माने जातिसंघ को घृणा कले और समर्थन देवाई कुंठावध कले। जर्मानी केबे जातिसंघर सदस्य होइतिला एवं केबे हार सदस्य पद त्याग करथिला जर्मानी 1926 मसीह रे जातिसंघर सदस्य होइतिला 1933 मसीह रे यार सदस्य पद त्याग करथिला। तीन नंबर प्रत्येक प्रश्नर उत्तर गोटे वाक्य रे लेख। केबे प्यारिस सम्मेलनी रो जातिसंघ कोवेनेंटर चिट्ठा गृहीत हैला 1919 मसीहा एप्रिल 28 तारीख रे पारिस सम्मेलनी रे जातिसंघ कोवेनेंटर चिट्ठा गृहीत होइतिला। ख जातिसंघ केबे अनुष्ठानिक भाबे प्रतिष्ठित हला केबे 1920 मसीहा जनवरी 10 तारीख रे जातिसंघ अनुष्ठानिक भाबे प्रतिष्ठित हला। युक्तराष्ट्र अमेरिका काहिकि जातिसंघर सभ्य होइ पारिला नाही ना युक्तराष्ट्र अमेरिकार प्यारिस शांति चुक्ति को सिनेट अनुमोदन न करिवारु युक्तराष्ट्र अमेरिका जातिसंघर सभ्य हो पारिला नाही। घ स्थायी आंतर्जातिक न्यायालयर दुई प्रकार आईनगत अधिकार कौन थिला गोटे हला दुईटा थिला स्वेच्छाकृत आ गोटे बाध्यतामूलक।
आंतर्जातिक श्रम संगठन मुख्य कार्यालय केउठार थिला स्विट्जरलैंड आंतर्जातिक श्रम संगठन मुख्य कार्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा ठारे थिला। आंतर्जातिक श्रम कार्यालय मुख्य उद्देश्य कौन थिला? आंतर्जातिक श्रम कार्यालय मुख्य उद्देश्य थिला श्रमिक मानक अवस्था नियंत्रण पई आंतर्जातिक नियम प्रस्तुत करिबा। सार अंचल को क्यों पद्धति रे निष्पत्ति निया जाए जर्मनी सहित मिसाई दिया जाए थिला? सार अंचल रे एक गणभट संगठित करा जाए सार अंचल को जर्मनी सहित मिसाई दिया जाए थिला। सोवियत रूसिया को कहीं जातिसंघ सदस्य पदरु बहिष्कार करा जाए थिला? ना 1939 मसीह रूसिया फिनलैंड आक्रमण करिवारु ताकु जातिसंघ सदस्य पदरु बहिष्कार करा जाए थिला। झ 1930 आर्थिक मंदावस्था जो राष्ट्रगुड़िक किपर अहेतुक आक्रमण प्रति मौन सम्मति जनइले? ना 1930 आर्थिक मंदावस्था जो राष्ट्रगुड़िक तषण और अण हस्तक्षेप नीति अवलंबन कर अहेतुक आक्रमण प्रति मौन सम्मति जनइले? जातिसंघ केबे संयुक्त राष्ट्रसंघ सहित मिसीगला? 1946 एप्रिल 8 तारिख में जातिसंघ कौन कला ना संयुक्त राष्ट्रसंघ सहित मिसीगला। 4 नंबर प्रत्येक प्रश्न में दि जाइए 4 विकल्प मध्य ठीक उत्तर बाछब। किए पेरिस सम्मेलन में जातिसंघ गठन पर प्रस्ताव देते किए देते? वुड्रो विल्सन। जातिसंघ कोवेनेंट को केबे वर्सायी संधि अंतर्भुक्त कर 1919 जून 28 तारीख में।